हेलो, कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनलॉक द साइंस। मैं हूं विवेक शर्मा। बेटा, हम फिजिक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे हैं, उसके न्यूमेरिकल पोर्शन को भी हम सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। तो हम यूनिट सेकंड में जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, जिसका नाम है बेटा यूनिफॉर्म मोशन, उसके अंदर हम बेसिक टर्म जो है पढ़ चुके हैं। काइनामेटिक्स क्या होती है, स्टेटिक्स क्या होती है, डायनामिक्स, या बेटा हम ये बोल दें कि कुछ बेसिक टर्म जैसे कि मैकेनिक्स, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। कहीं पर टाइम अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, कहीं पर हम पावर यानी कि फैक्ट्री या पावर फोर्स वगैरह को हम कंसिडर करते हैं, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। आज अपना जो टॉपिक है बेटा, उसमें हम यही देखेंगे कि हम कैसे एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास कब कंसिडर कर सकते हैं। तो आप सिंपल सा देख सकते हैं क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। देखिएगा क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। बेसिकली जब हम बात करते हैं बेटा, पॉइंट का मतलब होता है कि बिल्कुल स्मॉल, सबसे छोटा पॉइंट ही होता है, और उसका कोई ना कोई मास होगा और अपने आप में वो ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा। तो आप देखते होंगे जब भी हम किसी माउंटेन पर यानी कि पहाड़ वगैरह पे चढ़ जाएं, तो वहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्मॉल दिखाई देगा। हो सकता है वहाँ पे कुछ बसेज आपको छोटी दिखाई दे, कुछ ट्रैक्टर चल रहे हों खेत में वो छोटे दिखाई दे, पेड़ प्लांट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, बहुत छोटे छोटे। तो जो बहुत छोटे छोटे हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है और जब वो मोशन में होते होते बेटा इतनी लार्ज डिस्टेंस को कवर कर ले जो कि उसके साइज से बहुत ज़्यादा क्या हो, आप कहेंगे सर वो डिस्टेंस जो उसने कवर की है वो डिस्टेंस बहुत बहुत लार्ज हो एज कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट, तो उस केस में हम उस ऑब्जेक्ट के साइज को नेगलेक्ट कर देंगे और उस ऑब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे एज ए पॉइंट। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि बेटा आप खुद हैं, आपका जो भी साइज है, उस साइज से हम बहुत लार्ज डिस्टेंस में, उसके कंपैरिजन में हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर दूर चले जाएं, तो हमें वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो बहुत ही स्मॉल साइज में, जिसको हम पॉइंट बोल रहे हैं, उसकी तरह एक्ट करेगा। तो सिंपल सा आप कह देंगे ए ऑब्जेक्ट रिगार्डेड, ए ऑब्जेक्ट इज रिगार्डेड एज पॉइंट मास ऑब्जेक्ट इफ इट इज इन मोशन एंड कवर्स वेरी लार्ज डिस्टेंस एज कंपेयर टू इट्स साइज। ये कंडीशन अगर आपकी फॉलो होती है तो ही ऑब्जेक्ट पॉइंट मास की तरह काम करेगा। ऐसा नहीं है बेटा आपकी हाइट जैसे 6 फुट है और आप जो है आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया तो आप पॉइंट मास की तरह काम करेंगे, नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता जाएगा आपका ऑब्जेक्ट का साइज आपको स्मॉल दिखने लगेगा, बहुत स्मॉल जब हो जाएगा तो वो पॉइंट मास की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। जैसे अगर हम ये बोल दें कि बेटा हम अर्थ पर रहते हैं, और अगर हम अर्थ पर रहते हैं और अगर हम स्काई से या स्पेस से अर्थ को देखने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि अर्थ का जो साइज है वो, और बेटा अर्थ से लेकर स्पेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो, तो जिसका डिस्टेंस सबसे लार्ज होगा, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर होती है, और स्पेस और अर्थ के बीच का डिस्टेंस जो है बेटा वो बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स में, हज़ारों में, लाखों में हो सकता है।
तो अब ये कहेंगे ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो हमारी अर्थ किसकी तरह एक्ट करेगी? आप कहेंगे पॉइंट मास की तरह, क्योंकि आपका जो डिस्टेंस है वो लार्ज है एज कंपैरिजन टू द साइज ऑफ द अर्थ। तो आप इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं। एक बेटा आपका आता है जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस। एक बात आप सिंपल से समझें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है, आप कहेंगे सिंपल, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। इसका सिंपल सा ये मीनिंग आप याद रख लें, पोजीशंस ऑफ ऑब्जर्वर। कहने का मतलब ये है कि आपके पास थ्री टाइप्स ऑफ डाइमेंशंस हो सकते हैं, वन डाइमेंशन मोशन, टू डाइमेंशन, थ्री डाइमेंशन। तो इससे पहले के वीडियो में जो आपने रेक्टिलिनियर पढ़ा है उसको हम वन डायमेंशन मोशन भी कंसिडर कर सकते हैं, जो सर्कुलर मोशन था बेटा उसको हम टू डायमेंशनल भी बोल सकते हैं, और थ्री डायमेंशनल में आपके तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई और जेड। तो आप यहाँ पे समझिएगा कि पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर का मतलब होता है कि आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन को, या बेटा उसके अंदर वेलोसिटी, स्पीड या एक्सेलरेशन, जो भी आपकी फिजिकल क्वांटिटीज होगी उसको मेजर करने का जो पॉइंट होता है वो आपका होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस या पोजीशन ऑफ ऑब्जर्व। सपोज कीजिए आपकी बेटा थ्री डाइमेंशनल है, ये जेड है, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। तो बेटा आप देख सकते हैं कि आपको ये तीनों, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट तीनों का इंटरसेक्टिंग है यानी कि इनिशियल पोजीशन ओ, आप यहाँ पर खड़े हैं, तो यहाँ पर अगर आपके ऑब्जेक्ट की कोई पोजीशन है यहाँ पर, तो हम यही देख सकते हैं कि ये जो आपका है इसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या यही आपकी पोजीशन है तो आप इसको बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो आप ध्यान रखिएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या पोजीशन ऑफ ऑब्जर्व हो, ये अपने आप में कैसी क्वांटिटी होगी? सिंपल सी बात है जिसका नाम है वेक्टर क्वांटिटी। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वर इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि बेटा जब आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को मेजर करेंगे तो वो हमेशा डायरेक्शन शो करेगा, आप ऊपर की तरफ देखें या आप बेटा हॉरिजेंटली देखें, तो यहाँ पर ये एरोज हमेशा क्या बताएगी, उस ऑब्जेक्ट की पार्टिकुलर पोजीशन, डेफिनेट बेटा उसकी शेप। तो जिसमें डायरेक्शन हो जाए वो कैसा होगा, वेक्टर। तो ऑलवेज ध्यान रखिए, आप अपने से किसी भी दूर डिस्टेंस पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब भी आप उसको मेजर करेंगे तो वो हमेशा किसको शो करेगा, वेक्टर को ही शो करेगा, क्योंकि उसमें डायरेक्शन है। आप कोई और डायरेक्शन ना लेके एक पार्टिकुलर, या तो हॉरिजेंटल ले सकते हैं या वर्टिकल ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बेटा टू टाइप्स होते हैं। अगर इसके टाइप्स की हम बात करते हैं, फर्स्ट टाइप्स होता है जिसका नाम है इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और सेकंड होता है जिसका नाम है, आप बोल सकते हैं, नॉन इनर्शिया, नॉन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखिएगा बेटा, ये जो इनर्शिया वर्ड है, आप 9th क्लास में पढ़कर आए होंगे कि इनर्शिया वर्ड को हम डिस्क्राइब करते हैं लॉ ऑफ मोशन में, और लॉ ऑफ मोशन का जो फादर है वो है न्यूटन। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता था कि एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन वाइल एक्सटर्नल एफर्ट इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल एफर्ट नहीं अप्लाई करते, तो चाहे आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो चाहे आपका मोशन में हो, वो अपनी पोजिशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकता। तो बेटा फर्स्ट लॉ जो था उसी को गैलीलियो ने एक लॉ नाम दे दिया था, इनर्शिया ऑफ लॉ। तो आप बोल सकते हैं कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है या लॉ ऑफ मोशन है, तो फर्स्ट लॉ को ही हम बोलते थे और उसका नाम है इनर्शिया ऑफ लॉ। तो ये बात थी, गैलीलियो ने बताई थी, और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो लॉ ऑफ मोशन कहलाया था। तो हम बोल सकते हैं कि भाई इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि आपका अगर
न्यूटन का फर्स्ट लॉ उसके लिए एप्लीकेबल है, तो इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। और अगर बेटा उसके लिए वो नियम लागू नहीं होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपका लागू नहीं होता है, वो नॉन इनर्शिया में आ जाएगा। अगर लागू होता है बेटा, वो इनर्शिया में आ जाएगा। इसके एग्जाम्पल की आप बात करें पहले की, जैसे मैं कह दूं कि इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और हम उसकी पोजीशन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या फिर वो ऑब्जेक्ट किस में होगा, मोशन में होगा। तो अगर वो रेस्ट में है तो आप कह सकते हैं उसकी इनिशियल जो टाइम इंटरवल है वो जीरो है, या बेटा मैं ये कह दूँ कि उसकी इनिशियल स्टेट क्या है, जीरो है, या उसमें जो स्पीड है वो भी कितनी है, जीरो, उसमें जो एक्सेलरेशन है वो भी क्या है, जीरो। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर वेलोसिटी हो, स्पीड हो, एक्सेलरेशन हो, या टाइम हो, या उसकी पोजीशन हो, वो वेरी करती है या नहीं। तो अगर ऑब्जेक्ट सारा रेस्ट में है तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। और अगर यही क्वांटिटी बेटा मोशन में होती तो कोई ना कोई उनकी पार्टिकुलर वैल्यू होती, और वहाँ पर हम न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल हो जाता है। सो दिस इज नोन एज इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड की बात अगर आप करते हैं नॉन इनर्शिया की, तो बेटा नॉन इनर्शिया में ध्यान रखिएगा, इफ ऑब्जेक्ट हैव वेरिएबल वेलोसिटीज एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यहाँ पे एक मैंने बात लिख दी है इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैंने बात की थी इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, या तो बेटा ऑब्जेक्ट किस में होगा, रेस्ट में, या फिर ऑब्जेक्ट किस में होगा, मोशन में। तो अगर रेस्ट और मोशन में है तो हम वहाँ पर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ अप्लीकेबल कर देंगे, लेकिन नॉन इनर्शिया में अगर ऑब्जेक्ट मोशन में भी है और वहाँ पर कंडीशन ये देखेंगे कि हर एक टाइम पर वो अपनी वैल्यूज़ चेंज कर रहा है, कभी उसने अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज़ किया, कभी कहीं पर डिक्रीज़ किया, फिर सडनली इंक्रीज़ किया, फिर वो बेटा रुक गया, फिर उसने डिक्रीज़ किया, तो ऐसा करना बेटा वहाँ पर आपका न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ होल्ड नहीं होता है, तो होल्ड नहीं होगा, सो दिस इज कॉल्ड नॉन इनर्शिया। तो जहाँ पर टाइम की वैल्यू तो बेटा सेम हो लेकिन आपकी वेलोसिटीज कभी जीरो, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, इस तरह से बार बार वेरी करे, तो वहाँ पर नॉन इनर्शिया ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। अदरवाइज बेटा या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, तो वहाँ पर आप टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी, स्पीड, पोजिशन जो भी आप कैलकुलेट करना चाहें कर सकते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप हार्ड ना समझे, इसको एक सिंपल सा वर्ड समझे, पोजिशन। और किसकी पोजिशन, या तो आपकी या मेरी या किसी ऑब्जर्वर की, और पोजिशन ऑफ ऑब्जर्वर हमेशा, या पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हमेशा कैसी क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो बेटा ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट हैं, हमने पॉइंट मास ऑब्जेक्ट तब कंसिडर किया है जब उसके साइज के कंपैरिजन में वो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ले, तो पॉइंट का साइज अपने आप जितना ज़्यादा आप दूर जाएंगे और वहाँ से जब आप ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उस ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। ठीक है बेटा, तो ये आपके कॉन्सेप्ट थे, अब आगे की तरफ चलते हैं। बहुत ही आपका सिंपल है बेटा, अगर जिसने 9th की फिजिक्स को अच्छे से पढ़ा होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, तो आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्वांटिटी। ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, फिर भी एक बार देख लीजिए बेटा। स्केलर्स वो होती हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच शो ओनली मैग्नीट्यूड या अमाउंट। एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल अमाउंट है या मैग्नीट्यूड है या उसकी वैल्यू है, वो तो है कैसी, स्केलर। और एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन है, जब आप डायरेक्शन बोल देंगे तो उसमें ऑलरेडी क्या होगा, अमाउंट या मैग्नीट्यूड होगा। आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे। अगर मैं ये कह देता हूँ कि भाई
जो आपकी बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज थे, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो ये बेसिक और फंडामेंटल जितनी भी थी वो सारी बेटा क्या है, स्केलर है। वेक्टर क्वांटिटीज उसको बोलते हैं जो डायरेक्शन शो करे। तो बेटा डायरेक्शन जब शो करेगा तो आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज को हमेशा एरो से शो करेंगे। इसका मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी जो स्टार्ट हुई है बेटा एक पॉइंट ए से और उसका एंड हुआ है बेटा बी पर, तो आप एक वेक्टर को कैसे शो कर सकते हैं, ए बी, और उसके ऊपर एरो लगा सकते हैं। तो यानी कि फिजिकल क्वांटिटी ए से स्टार्ट हुई है और उसका जो टर्मिनेशन है वो पॉइंट क्या होगा, बी होगा। और अगर बेटा अगर इसको एरो को आप अगर हटा देते हैं और उसको सिंपल लिख देते हैं ए बी, तो वो किसको शो करेगा, आप कहेंगे सर स्केलर को शो करेगा। तो सिंपली जो एक स्केलर क्वांटिटी होती है उसको आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हम मैथमेटिकल में नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ एलजेब्रा परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिविजन बाय सिंपल नॉर्मल लॉजिक ऑफ द एलजेब्रा। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में बेटा आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें अगला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जिसमें आपके हर एक वेक्टर को किस तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। वहाँ जब तक आप नहीं पढ़ लेंगे किसी वेक्टर को हम नहीं कर सकते। अगर बेटा मैं ये कहता कि जैसे मान लो सिंपल सा एक ट्रायंगल बना दी, यहाँ पे ए बी सी, ये बेटा 5 किलोमीटर है, ये आपका बेटा 6 किलोमीटर है और ऐसे ये आपका 7 किलोमीटर है, तो अगर मैं ये कह दूँ कि बेटा बताइए टोटल कितना है, तो मैंने पहले मैं ए से बी गया, बी से सी, ऐसे ही, तो बेटा 5 प्लस 6 प्लस 7, आप इसको सिंपल ऐड कर सकते हैं, तो कितना हो गया, 13 और 5 कितने हो गए, 18, तो 18 किलोमीटर आ गया। तो ये हमने सिंपल ऐड कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्केलर को। लेकिन बेटा मैं 5 प्लस 6 प्लस 7 लिख के 18 लिख दूं, इसका मीनिंग कभी भी क्या नहीं होगा, वेक्टर नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, वेक्टर को हमेशा एरोज से शो करेंगे, उसको आप सिंपली लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मास बताइए, तो मैंने मास लिखा और मास का जो सिंबल होता था बेटा एम, तो दिस इज द सिंगल लेटर, बेटा आप इसको क्या बोल सकते हैं, सिंगल लेटर। तो ध्यान रखिएगा एक सिंगल लेटर हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्केलर क्वांटिटी को करेगा। सिंगल लेटर से हम हमेशा राइट कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। और बेटा जब आप वेक्टर लिखेंगे तो उसको बोल्ड के अंदर लिख देंगे और हमेशा उसके ऊपर एरो का शो करेंगे, तब तो वो वेक्टर होगी, और अगर उसको सिंगल आपने लिखा है तो वो स्केलर होगी। दूसरी बात ये, जब भी आप किसी वेक्टर क्वांटिटीज़ को, बेटा ध्यान से देखिएगा, एनी वेक्टर क्वांटिटी, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर मोड के अंदर ले लेते हैं, ठीक है, किसी को भी मोड में लेंगे, तो ये किसके साइन होते हैं, मॉडुलस का। इसका मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यूज आएगा। और ध्यान रखिएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज स्केलर और वेक्टर, तो आप कहेंगे सर इज ऑलवेज स्केलर। ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखेंगे, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को किसके अंदर लिख देते हैं, आप कहेंगे सर उस मोड के अंदर लिख देते हैं, और उसके बाद जब वो रिजल्ट आता है तो हमेशा कैसा आएगा, वो एक स्केलर क्वांटिटी आएगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, यू ऑलरेडी नो दैट। आप इसके एग्जाम्पल बता सकते हैं, वेट हुआ, फोर्स हुआ, है ना, वेलोसिटी हुई, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये सारी क्या हैं, वेक्टर हैं। और बेटा बेसिक और फंडामेंटल जो थी 7 की 7 क्वांटिटीज, वो आपके किसके एग्जाम्पल हैं, स्केलर। तो हम इसको आगे चल के सेकेंड चैप्टर में डिटेल्ड में पढ़ेंगे, अभी इतना ही बेस्ट टर्म हमने डिस्कस की है। आगे अपना जो पॉइंट आता है बेटा उसका नाम है पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, चलिए बेटा टॉपिक
टॉपिक इज पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। हमें कोई जल्दी नहीं है, इजीली हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। पाथ का मतलब तो आप जानते ही बेटा, पाथ का मतलब तो रास्ता ही हो गया है ना, लेंथ हो गई और लेंथ है ही, तो एक ऐसा वे जिसकी कोई ना कोई लेंथ है वो आपको ट्रेवल हर हाल में करनी पड़ेगी। जब आप पॉइंट ए से चलकर पॉइंट बी तक जाते हैं, मान लीजिए आप अपने घर से मार्केट जाते हैं, तो आप कोई ना कोई एक रास्ता जो है वो चूज करते हैं, और वो चूज करने के बाद आपको हर हाल में उस मार्केट तक जाने के लिए वहाँ तक चलना ही पड़ेगा, उस पाथ को फॉलो करना ही पड़ेगा। दिस इज द पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट अभी बता देते हैं। तो बेटा आप कहेंगे पाथ लेंथ इज एक्चुअल लेंथ, और दूसरा एक वर्ड दे सकते हैं टोटल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। और ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, इनिशियल और फाइनल, जहां से आप स्टार्ट करेंगे जहां तक आप पहुंचेंगे इज। तो बेटा पाथ लेंथ समझ में आया, इट कैन नेवर बी जीरो नेगेटिव। बेटा ध्यान रखिएगा, दो पॉइंट के बीच का जो गैप होता है ना, वो कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट से या किसी दूसरे पर्सन से थोड़े से भी गैप पर खड़े हैं, तो उसकी गैप की कोई ना कोई तो वैल्यू है ना, जीरो तो नहीं है ना। अगर जीरो होता तो आप उससे अलग हो ही नहीं पाते। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, कभी भी आपका जो एक्चुअल लेंथ है या टोटल लेंथ है वो कभी जीरो नहीं हो सकती, ना ही नेगेटिव। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू हैगी। दूसरा आप कहेंगे पाथ लेंथ इज स्केलर क्वांटिटी। पाथ लेंथ क्या है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर पाथ लेंथ को और सिंपली डिस्क्राइब करना चाहें तो इसका सिंपल सा मीनिंग आप याद रख सकते हैं, दिस इज द डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम पाथ लेंथ की बात कर रहे हैं, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की ही बातें लिख रहा हूँ कि दो पॉइंट के बीच में जो आपका टोटल लेंथ है या जो एक्चुअल लेंथ है या जो पाथ लेंथ है वही डिस्टेंस है। डिस्टेंस जीरो और नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। आप कह सकते हैं डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। एक कह सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस या पाथ लेंथ, तो आप कहेंगे इस मीटर। इसकी हमेशा जो यूनिट होगी वो क्या होगी बेटा, मीटर होगी। और आप कह सकते हैं सीजीएस में, इन सीजीएस सिस्टम, तो सीजीएस सिस्टम में इसकी जो यूनिट है वो क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। तो आप सिंपलली इसको लिख सकते हैं ओके। और एक मीटर में बेटा 100 सेंटीमीटर होते हैं। दिस इज द पाथ लेंथ। अगर हम बेटा बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, इट इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। बेटा टोटल पाथ लेंथ तो होती है डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच, और यहाँ पे सबसे कम जो डिस्टेंस होगी इनिशियल और फाइनल के बीच वो अपनी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट आपका हमेशा कैसा होगा,
आप कहेंगे सर इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग पॉइंट से चलकर फाइनल पॉइंट के पास जाएंगे तो एक एरो होगा, एक एरो का साइन होगा जो आपको डायरेक्शन बताएगा कि आप इस पाथ को फॉलो करते हुए फाइनल पॉइंट तक पहुंच रहे हैं। तो एरो हमेशा डायरेक्शन शो करता है, इट मीन्स उसमें ऑलरेडी मैग्नीट्यूड तो है ही। तीसरा कह सकते हैं इट मे बी, ये तीनों हो सकते हैं क्या, जीरो हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकता है एंड नेगेटिव। आप ध्यान रखिएगा जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव तीनों हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल की हम बात करते हैं जिसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को करेंगे। ये बेटा आपका ए पॉइंट है, ऐसे ये आपका बी पॉइंट है, ये सी है और ये आपने क्या है बेटा डी है। तो मैंने क्या किया, ए से चलकर मैं बी पर गया, बी से फिर सी और सी से बेटा डी, या मैं ये कह दूं कि वापस डी से मैं किस पे आ गया, ए पर। तो आप इसमें देख सकते हैं पाथ फॉलोड बाय ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए। तो बेटा आप ये कह सकते हैं इन ए टाइम, क्योंकि यहाँ पर आप टाइम ले रहे हैं टी, तो टोटल पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी टाइम टी के अंदर। तो टी इज इक्वल टू बेटा ए बी लिख सकते हैं, प्लस में क्या लिख सकते हैं बी सी, प्लस में बेटा सी डी और प्लस में आप लिख सकते हैं डी ए। तो ये आप ध्यान रखिएगा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टोटल पाथ लेंथ इन गिवन इंटरवल टाइम टी। तो बेटा टाइम टी के अंदर हम ए से बी के अंदर बी तक गए, फिर बी से सी, सी से डी और डी से ए। तो आपका ये इनिशियल पॉइंट है बेटा और यही फाइनल पॉइंट है, तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, इसकी भी और इसकी भी। तो सिंपली आप उसको ऐड कर देना, और जैसा कि रूल में कहा गया है कि स्केलर को आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और बेटा आप एक बात देखिएगा, मैं फिर से ले रहा हूँ एक, ये आपका ए है, ऐसे बेटा ये आपका बी है और ये आपका कोई पॉइंट है सी। तो मैंने देखा यहाँ पर और सी से वापस ए। तो पाथ तो आपका शेप में कोई भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, ट्रायंगल शेप में हो सकता है। तो अब एक बात देखेंगे, आप ए से चलकर हम बी की तरफ गए, फिर बेटा बी से चलकर सी की तरफ आए और सी से चलकर बेटा हम वापस ए की तरफ आए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, ए से, और वापस हम घूम के, या आप देख सकते हैं वापस आए कहाँ पर, ए पर। तो अगर मैं ये कहूँ कि बताइए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम, पहले देखा बेटा ए टू हम कहाँ गए बी, फिर बेटा बी टू कहाँ आए हम सी, और सी टू हम कहाँ आए ए, इन टाइम, और वो टाइम कितना था टी। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे हम वापस आए तो यहाँ पर टाइम टी के अंदर जो टोटल है वो कितना हो जाएगा, जीरो। ये बेटा जीरो क्या है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आपकी जो वैल्यू है ये क्या है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ पर आपका इनिशियल पॉइंट होगा वही आपका फाइनल पॉइंट होगा, उस केस में हमेशा डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, जीरो। लेकिन आपकी डिस्टेंस क्या नहीं होगी, आप कहेंगे सर कभी भी जीरो नहीं होगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों लिया है, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, ये टाइम जीरो नहीं है बेटा। ये हमने क्या किया है कि जो पाथ हमने फॉलो किया है तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस जीरो नहीं है, इस केस में बेटा डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ए बी प्लस में बेटा बी सी प्लस में सी ए, लेकिन आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो। तो फॉर डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, और बेटा ये डिस्प्लेसमेंट आपका हमेशा कितना होगा, आप कहेंगे सर जीरो होगा। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, ओके। और इसको बेटा और एग्जांपल से समझते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप,
ठीक है बेटा, और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे कह रहे थे कि आप ये बताइए डिस्टेंस। तो बेटा जो डिस्टेंस थी एसी है ना, टोटल पाथ, वो आपका देख सकते हैं ए बी प्लस में, बी सी प्लस में, बेटा इस तरह से हम ले सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर डायरेक्शन अपोजिट होती है, अगर हम ए को इनिशियल ना मान के बेटा सी को मानते, तो सी से बी जाते, बी से ए, और इस तरह से, तो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो ए सी होता है वो हमेशा अपोजिट क्या होगा, माइनस। बेटा क्या लिख सकते हैं, सी ए। ये नेगेटिव साइन जो है ये केवल क्या दिखाता है, आपका अपोजिट डायरेक्शन शो करता है, बस और कुछ नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन। तो ध्यान रखिएगा, ए सी इज इक्वल्स टू माइनस सी ए। माइनस का मतलब कि आप पहले जो पाथ फॉलो कर रहे थे, अब आप उसके अपोजिट ही आ रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया, आपका पाथ स्ट्रेट हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्राइंगल। एक पाथ की और बात कर लेते हैं, ये अपना कैसा है, आप कहेंगे सर सर्कल। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से बेटा इसका कोई ना कोई सेंटर है वो मान लेते हैं, यहाँ सर्कल के अंदर कोई ना कोई आपकी रेडियस है आर। देखा जाए तो ये भी बेटा आर ही है, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से यहाँ तक पूरा सरकम फेरेंस हो गया सर्कल का, और सरकम फेरेंस का जो फॉर्मूला है वो 2 पाई आर, अभी बात कर लेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट है ए, ऐसे बेटा एक पॉइंट मानना बी, ऐसे ही आपने पॉइंट लिया सी, और ऐसे ही आपने लिया डी। आप ए से मूव करते हुए बी की तरफ, बी से सी की तरफ, और सी से डी की तरफ, और वापस बेटा डी से ए की तरफ। तो अगर मैं ये कहूँ भाई टोटल पाथ बताइए, टोटल पाथ लेंथ इन सर्कल, तो बेटा टोटल पाथ लेंथ इन सर्कल क्या हो जाएगा, अगर आप ए से चले हैं और वापस कहाँ पर आए हैं, ए पर, तो आप कहेंगे फ्रॉम ए बी सी डी ए, ठीक है, ए बी सी डी ए। तो आप यहाँ पे कह देंगे सिंपल, यहाँ से यहाँ तक पूरा घूम के देखे तो बेटा ये तो 2 पाई आर हो गया पूरा सरकमफेरेंस, 2 पाई तो ठीक है, और आर इसकी रेडियस हो गई, पूरा तो ऐसे ही हो गया। लेकिन अगर मैं ये कहता कि भाई ए से सी तक का बताएं, तो आप कहेंगे सर शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू सी। तो बेटा शॉर्टेस्ट पाथ जब ए टू सी आएगा तो ये वेक्टर बन जाएगा, और आप ए से चले हैं और कहाँ तक आए हैं, सी तक, तो आप देख सकते हैं ये आपका बेटा आर है और ये भी आर है, तो आप कह देंगे आर प्लस आर, तो ये कितना हो जाएगा, आप सिंपली क्या कह देंगे, 2 आर हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ की जब हम बात करेंगे तो बेटा 2 आर हो जाएगा। और अगर मैं ये कहता कि इसी केस में, यानी कि जहाँ पर टोटल है वहीं पर आप डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो यहाँ से चलकर बेटा यहाँ पे आए हैं, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता, 0। लेकिन डिस्टेंस आपकी क्या नहीं होती, 0 कभी नहीं होती। तो आप ये छोटी छोटी बातें रखें। अगर मैं ये कहता कि भाई मान लेते हैं, सपोज एक केस और बना देते हैं, सपोज इनिशियल पॉइंट इज ए एंड फाइनल पॉइंट इज बी, डी ले लेते हैं, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी, कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देख लीजिए। एक केस हमने ले लिया बेटा, ये आपका ए है और ये आपका डी है, तो अगर देखें तो बेटा ये क्या है आर, ये क्या है आर, और हम कह रहे हैं कि हम जो है ए से चलकर वो कहाँ पे आए हैं, डी की तरफ, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप देख सकते हैं बेटा दिस इज़ द राइट एंगल, 90 डिग्री है ये, बेटा आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, पाइथागोरस परिमेय लगा दो। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है
वो बेटा आपका क्या हो सकता है? आप कहेंगे सर बेस, और क्या ले लीजिए, परपेंडिकुलर, उसका स्क्वेयर, तो ए ओ का स्क्वेयर, या आप इसको ओ ए स्क्वेयर लिख सकते हैं और ओ डी का स्क्वेयर लिख सकते हैं। और सिंपल ए डी लिखेंगे तो आप इस सारी वैल्यूज़ को स्क्वेयर रूट में ले लेंगे, यस और नॉट। ये तो आप पाइथागोरस थ्योरम 10th क्लास में पढ़ के ही आए हैं। और देखा जाए तो बेटा ओ ए की वैल्यू कितनी है, आर, तो यहाँ पे सिंपल आर का स्क्वेयर कर देंगे। और ये भी कितना है बेटा, आर का स्क्वेयर, तो आपका ए डी। और ध्यान रखिएगा ये हमेशा किस में है, वैक्टर में, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इज ए वैक्टर क्वांटिटी। तो बेटा आप कह सकते हैं कि ए डी का जो स्क्वेयर है वो आपका क्या हो जाएगा, 2R स्क्वेयर। अगर देखें तो ये आपका स्क्वेयर जो है स्क्वेयर रूट से कैंसिल, और आप सिंपली क्या कह सकते हैं, R² + R² क्या हो गया, 2R स्क्वेयर। और आप देख सकते हैं 1R बाहर आ जाएगा, तो R और अंदर क्या बच जाएगा, 2। तो ये आपका जो है बेटा सिंपल क्या हो जाएगा, AD होगा, सॉरी। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाल लिया, आप कहेंगे सर हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला है, अगर आपका इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट क्या है आपका, डी है। ठीक है, ऐसे अगर हम यहाँ से चल के ए से चल के बी आता तो इनिशियल ए हो जाता, फाइनल क्या हो जाता, बी। तो हम फिर इसी तरह से बना देते, बी से चलकर आप सी पर आते तो बेटा फिर इस तरह से बन जाता। तो आप हर एक पाथ फॉलो, शेप कोई भी हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, ट्राइंगल हो सकती है, स्टेट हो सकती है, आप हर केस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट लेंगे, और उनके बीच की अगर जो टोटल लेंथ है तो वो तो डिस्टेंस होगी, और जो बेटा शॉर्टेस्ट लेंथ है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। एक बात मैं और क्लियर कर दूँ आपको छोटी सी, क्या कि देखिए कई बार क्या होता है कि हमें एक पाथ दे देता है और उसी पाथ के अंदर आपको कैलकुलेट करना होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान से देखिएगा, जब एक पाथ देगा हमें तो हम उसके लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ये बेटा इक्वल हो सकती है किस केस में, मान लीजिए ये ही आपका, ये इनिशियल पॉइंट है ए, ये बी है, और ये 5 मीटर दे रखा है। तो मैं अगर आपसे कहूं कि भाई इसके बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो यही बेटा एक्चुअल पाथ है, यही आपका शॉर्टेस्ट पाथ है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस 5 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, 5 मीटर है। तो अगर दोनों का रेशियो ले, क्या, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो बेटा इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, तो डिस्टेंस की वैल्यू आप देख सकते हैं 5, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी 5 है, तो कैंसिल होके रेशियो कितना आया, 1। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे तो क्या है, 1 है। तो आप कह सकते हैं एटलीस्ट डिस्टेंस आपकी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है, तो उनका रेशियो कितना आएगा, 1। लेकिन ज़्यादातर केस में या हर एक केस में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जाहिर सी बात है आपकी टोटल पाथ लेंथ ज़्यादा होगी किससे, शॉर्टेस्ट से, शॉर्टेस्ट शो करता है डिस्प्लेसमेंट को, और आप कहेंगे सर टोटल शो करता है डिस्प्लेसमेंट को। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है, मैं लिख देता हूँ एक बार दोबारा से, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो है वो या तो 1 हो सकता है, या आप सिंपली कह सकते हैं इक्वल टू 1 हो सकता है। ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखेंगे, या तो वैल्यू सेम होगी, अदरवाइज डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत सारे केसेस हमने फॉलो किए हैं, हर एक चीज़ में हमने निकाला है डिस्प्लेसमेंट, सर्कुलर मोशन हो, ट्रायंगल मोशन हो, या रेक्टेंगल हो, तो उस शेप के अंदर आपकी इनिशियल और फाइनल पॉइंट बेटा सेम है, तो हर केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, मगर डिस्टेंस आपकी 0 नहीं होगी इन द गिवन इंटरवल ऑफ द टाइम टी। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने इसको ब्रॉड पढ़ लिया, इस चैप्टर के अंदर आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे यहाँ से, तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है।
ओके बेटा, क्या डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अगर आपने ये बोल दिया कोई ऑब्जेक्ट मुझसे इतना दूर है, तो बेटा वो जीरो तो होगा नहीं, वन हो सकता है, 0.11 भी हो सकता है, मगर जीरो नहीं होगा। पॉइंट मास डिफेक्ट किसको बोलते हैं, जहाँ पर सॉरी पॉइंट मास ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं, कि जब आपका ऑब्जेक्ट का जो साइज है उस साइज के कंपैरिजन में वो ही ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ले। तो जब वहाँ से हम उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो वो हमें बिल्कुल स्मॉल साइज में नज़र आएगा। जैसे अभी बताया था, पहाड़ पर हम चढ़ जाते हैं, स्पेस के अंदर जाके जब हम अपनी अर्थ को देखते हैं, तो ये सारी एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। ऐसा नहीं होगा कि आपने साइज से बस थोड़ा सी ही डिस्टेंस ज़्यादा कवर की है तो वो आपका पॉइंट होगा। नहीं बेटा, वो तो हमें उसी साइज में दिखाई देगा। हम जितना ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट से दूर जाएंगे और धीरे धीरे वहाँ से जब ऑब्जर्व करेंगे, तो ऐसा अपीयर होगा कि वो उस ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो आपका पॉइंट मतलब छोटा होता गया है। तो बेटा आज के वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, क्लास यहीं पर रोकनी पड़ेगी। अगली क्लास में हम वेलोसिटी, स्पीड, न्यूमेरिकल, किस तरह के केसेस बन सकते हैं, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ बेटा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा थैंक यू एंड बाय बाय।